उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से पुलिस विभाग को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने 144 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया है। जी हां, खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर पुलिस विभाग की 144 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया। बता दें कि इन्हें आगरा, कौशाम्बी, गाजीपुर, अलीगढ़ सहित कई जिलों के पुलिस भवन शामिल हैं। पुलिस विभाग के 144 आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लोकार्पण के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 207 करोड़ की इन 144 परियोजनाओं को दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को सौंपते हुए मैं अत्यंत खुश हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि 5 वर्षों के अंदर किए गए कार्यों का परिणाम हम सबके सामने है। 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी जो दुनिया और देश में बीमारू प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जहां पर विकास की कोई सोच नहीं थी। जो धारणा बन चुकी थी उसका कारण था बदतर कानून व्यवस्था। इस दौरान सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि वह नशीली दवाओं की माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाए। हमें अपनी सख्ती के साथ उसके खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाना होगा, और जिससे चाहे वह ड्रग के कारोबारी हो, जहरीली शराब के कारोबारी हो, या कोई भी इस प्रकार के अनैतिक और अवैध गतिविधि में लिप्त, जो अपनी पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो, या अपने आप में एक राष्ट्रीय अपराध है, उस अपराध और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी एक नई मुहिम प्रारंभ हुई है, और इस मुहिम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना होगा। गाजीपुर की शाही द होटल ग्रैंड पैलेस, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी, या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जाम। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा, जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजी का।